आई थी, तो आपने यहाँ पे फिर जॉब लगाया कि हम जॉब करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जॉब कैसे ढूंढी? मतलब ऑनलाइन देखा था कि इंटरव्यू कैसे हुआ? आपको ये पता चला कि रेस्टोरेंट में जॉब है, कितना सैलरी मिलता है? मेरा सैलरी तो अच्छा है। कितना? तो ये देखिए, एक बहन इधर भी है जो नेपाल की जॉब करती है। कितना टाइम हो गया आपको? 7 महीने। 7 महीने तो नए हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना समरकांत। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वेटरेस की जॉब। ये बहन है जो मेरी करती हैं, और इनसे पूछेंगे इनका आना कैसे हुआ, कितनी सैलरी है, कई घंटे ड्यूटी रहती है, और इनका एक्सपीरियंस क्या है। जो लड़कियाँ आना चाहती हैं कतर, तो कतर सेफ कितना है, तो ये आपसे हमने बताएंगे और लाइव बात करेंगे हम, ठीक है? तो हेलो, क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। मेरा नाम नदिया है। आप कहती हैं, ठीक है? कहाँ थे आप? मैं तो बांग्लादेश। बांग्लादेश। अभी कितना टाइम हो गया आपको कतर में? एक महीना। एक महीना हुआ है। पहली बार कतर आई कि और भी कहीं गई थी? नहीं नहीं, पहली बार ही कतर हुआ। अच्छा, तो आपका ये आधा कहते हैं, वहाँ पे किसी कंपनी में आपने देखा था जो एजेंट होते हैं, कि आपके किसी फ्रेंड ने या किसी फैमिली ने आपको ये वीजा दिया? मेरा इधर में मेरा भाई भाभी रहती है। अच्छा, भाई भाभी। मेरा फैमिली के साथ इधर में आया जी। तो इधर के आया कि मैं इधर अच्छा रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, अभी दिलवाला में है। अच्छा, तो बहुत अच्छा है, और अभी मेरा ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा है। तो हम ये पूछ रहे हैं, तो आप अपने भैया यहाँ पे विजिट पे आई थी, फैमिली वीजे पे आई थी, तो आपने यहाँ पे फिर जॉब लगाया कि हम जॉब करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जॉब कैसे ढूंढी? मतलब ऑनलाइन देखा था कि इंटरव्यू कैसे हुआ? आपको ये पता चला कि रेस्टोरेंट में जॉब है? मेरे टिकटॉक में मुझे देखा है। टिकटॉक स्टार है भाई ये, ऑल इधर में सब भी टिकटॉक स्टार है। अच्छा, इन्होंने टिकटॉक पे आपको देखा था? फिर मुझे देखा, मुझे मोदी बोला है जब आओ आपका इंटरव्यू लेगी। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू लिया, मोदी मुझे पसंद कर लिया, बस अभी मैं यहाँ पे जॉब कर लिया जी। हिंदी आपको थोड़ा कम आती है लग रहा है? हम बंगाली हो तो बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश। अच्छा, चाहे तो थोड़ा तो आपका जब ज्वाइन हुआ तो आपने वीजा चेंज किया कि वही वीजे को मतलब पेपर लेके? नहीं नहीं, मैं कंपनी का वीजा में। अभी कंपनी का वीजा हो गया? तो आपका ये बताओ, कैसा लग रहा है अभी आपको ये काम करके? पहले आपने काम किया बांग्लादेश में? पहले कभी नहीं किया। हाँ। पहले नहीं किया कभी, इधर में आके अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है। तो आपकी ड्यूटी के मतलब इधर कई घंटे की ड्यूटी आपकी? इधर में 12 घंटे ड्यूटी। 12 घंटा जी? 12। अच्छा, उसमें 1 घंटे खाने पीने के? हाँ, 1 घंटा रेस्ट देता है। अच्छा, कभी तबीयत खराब हो तो छुट्टी, कभी कभी छुट्टी भी देता है। हाँ, वो तो है। हफ्ते में क्या छुट्टी है? हफ्ता में नहीं, महीने में 2 दिन। अच्छा, हाँ, वो तो रेस्टोरेंट का काम है जी। और ये बताइए, तो अभी आप ये थी कंपनी में भी, तो आपका रहना अभी अपनी भाई के यहाँ रहते हैं कि कंपनी की तरफ से जो अकोमोडेशन है वहाँ रहती है, कि अपना कहीं पे आपने ले कर रखा है वहाँ रहती है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा भाई भाभी की साथ अभी है, अभी बाद में कंपनी में सेट हो जाएगी। कंपनी में भी है जगह रहने? हाँ। अच्छा, तो कितना सैलरी मिलता है अभी आपको? जो है ईमानदारी बताओ, कोई इसमें वो नहीं है, इसलिए जो और लड़कियाँ आना चाहती हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियो है ये जो नई लड़कियां हैं, बाकी इसमें कोई शर्म की कोई वो बात नहीं है। काम में कभी भी नहीं, हम भी यहाँ पे जैसे कुछ काम करते हैं, भाई भी करते हैं। तो भाई कितना सैलरी है? मेरा सैलरी तो अच्छा है। कितना? 22। यानी 2200 जी। 2200 रहना आपका है? हाँ, अभी मेरा रहना है, बाद में। खाना पीना इधर? खाना पीना रेस्टोरेंट का, सब इधर ही है? सब इधर का। तो रूम इधर से आपका दूर है कि पास है? नहीं, 5 मिनट लगती है। 5 मिनट। अच्छा, ये बताओ, 2200 रुपये भी आपको मिलते हैं, तो कितना बचा लेती हो? अपना खर्चा भी तो होगा कुछ? लड़की का तो खर्चा होगी ना, लड़की का होता है, मेकअप से कप कपड़ा। अच्छा, तो होता है। तो कितना बच जाता है? बच जाती है, थोड़ा बच जाती है, वो मैं घर के दे देता हूँ, मेरा भाई का, मेरा भाभी के पास दे देता हूँ। अच्छा, कितना बचा लेते फिर भी? एक आइडिया, 1500 तो होता है, 1500-1600 का बच जाता है। अच्छा, ये बताओ, जो नई लड़कियाँ हैं यहाँ पे, आप जैसे जॉब कर रही हो, कितना सेफ है कतर? कतर के बारे में बताइए आप। कतर में वो तो आपका मर्जी है, आप जितना सेफ हो सकती हो तो आप सेफ सकते हो, बट मैं बोलती हूँ कतर बहुत अच्छा है। सेफ है यहाँ पे? हाँ, लड़कियाँ जॉब करने कोई वो नहीं है, लड़की का कोई तकलीफ नहीं है, लड़कियाँ आपका मन से मन खुल के घूमने फिरने काम कर सकती है। मुझे तो बहुत कतर अच्छा लगती है, और कतर का रूल्स आइन भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जो नई लड़की अगर यहाँ आना चाहती हैं,
उनसे कुछ कहना चाहती हो, वो मतलब उनको कोई मैसेज देना चाहती हो, और जो लड़कियां यहाँ जॉब कर रही हैं उनको कोई मैसेज देना चाहती हो अपनी तरफ से? मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, और कैसे काम करें, जितना बहना इधर में आ सकती है तो आपके मन खुल के फैमिली को मर्जी के लेके आप आ सकती हो, बट इधर में कोई नो टेंशन नो प्रॉब्लम, क्योंकि इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की अच्छे मन खुल के अच्छा काम अच्छा जॉब कर सकती है। और जो इधर जॉब कर रही है उनको कोई मैसेज देना चाहोगे कि आप जो यहाँ पे काम कर रहे हो अच्छे से काम करो, पैसा इकट्ठा करो, कुछ बोलना चाहती हो अपनी तरफ से? मैं तो बोलना चाहती हूँ ना, लड़की का जो काम करती है इधर में, जितने जो भी काम करे लड़की तो अच्छा करके काम करो, अच्छा करके आपका सैलरी हो छुपा के बचाओ, आपका फैमिली को दो, आपका घर के आपका बाल बच्चा है जो हस्बैंड का बच्चा है उसको भी देखो, ये अच्छा बेटर लाइफ सेटल होता है इधर में। आप मेरी मेरी तरफ से भी आपको ये मैसेज है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से काम करिए, और जहाँ पे काम कर रही है वहाँ की भी काम की भी इज्जत करिए, कस्टमर की भी, और खुश रहिए, और एक जो मतलब भरोसा है घर वालों का, वो भरोसे पे आप यहाँ पे काम करिए और हैप्पी रहिए। तो चलिए, ये वीडियो हम YouTube पे डालेंगे, इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और आपका क्या नाम बताएगा? मेरा नाम नदी है। नदी ही है जी। आपको सबको, जितना बहन है भाई है, आपको सब मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब में जो सरप्राइज जो हम दे रहा है ए रेस्टोरेंट का, कतर में जो भाई बहन है आप ए रेस्टोरेंट में आ सकती हो, इधर का खाना बहुत अच्छा है, इधर का अच्छा परिवेश है, बैठने की भी बहुत अच्छा जगह, मैंने आपका मन भर जाएगी। अपने रेस्टोरेंट का नाम बताइए, और कुछ कहना चाहते हो यहाँ पे जो लोग हैं? बांग्लादेश का लड़की हूँ तो मेरा गर्व है जो इधर में कतर में बहुत अच्छा एक जॉब कर रहा हूँ। मैं एक बांग्ला में बोल रहा हूँ जे আসলে আমি আপনাদের বাংলা বাংলাদেশি ভাইরা বোনরা যারা আছেন, আমি আপনাদের একটা কথা বলি, আমি এখানে আসি আমার অনেক গর্ব যে আমি এখানে ভালো একটা জব করতেছি, ভালো পরিবেশে আছি, আর ইনশাল্লাহ আমি দোয়া করবেন সবাই আপনারা আমার জন্য, আমি যেন সামনে আর কিছু আগাতে পারি। আর এই রেস্টুরেন্টে অবশ্যই অবশ্যই বাঙালি ভাই বোন যারা আছেন, প্লিজ একবার হলে আসে, একটু হলে একটা চা খেয়ে যাবেন, যা শুধু দেখে যান। तो भाइयो, मैंने बहन से बात करी, बहन ने अपनी पूरी बात रखी है, आप लोग भी यहाँ पे, सर्विस बहुत अच्छी है, और रेस्टोरेंट का नाम बहन ने बता दिया है, बांग्लादेश की है, तो यहाँ पे सब मिलजुल के काम कर। तो ये देखिए, एक बहन इधर भी है जो नेपाल की जॉब करती है। कितना टाइम हो गया आपको? 7 महीना। 7 महीने देखो, सब नए हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे सब लोग फैमिली की तरह है, पूरा जो स्टाफ है सब फैमिली। तो कुछ कहना चाहती हो? कुछ बोल। तो शर्मा आ रही है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने की, जो भी लड़कियां हैं बाहर जॉब करना आना चाहती हैं वो ऑनलाइन देख के आ सकती है, कतर बहुत सेफ है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके, बाय।